हाय गाइस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों नीट 2022 का पेपर कब होगा? नीट अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही जल्दी जो शेड्यूल होता है मई में होने का, वो मई में हो सकता है। मैं आज एग्जांपल आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। देखिए यहां पे आपको बताता हूँ, नीट यूजी 2020 स्टेट काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसिलिंग से पहले राउंड की आवेदन प्रक्रिया 27 से होगा। देखिए ये तो आपको पता है, 27 जनवरी से शुरू हो गए, 4 चरणों में 20 मार्च तक ये शेड्यूल है। ठीक है, काउंसलिंग से पहले राउंड की आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होके अलॉटमेंट की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, इसके बाद 7 फरवरी से ज्वाइनिंग देनी होगी। इसके बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 से 18 फरवरी तक चलेगी। आपको ये बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नीट का जो 2022 का पेपर टाइम से होने जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ये जो पीजी का नीट पीजी का शेड्यूल है 2022 का, ये सेम देखिए इधर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया 15 जनवरी 2022 के, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी 2022 से 4 फरवरी तक, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 मार्च को ही होने जा रहा है। तो इसके हिसाब से नीट यूजी का पेपर मई में हो सकता है। ठीक है, आप ये ना सोचे कि काउंसलिंग चल रहा है तो आपका पेपर नहीं होगा। जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं वो फटाफट तैयारी में लग जाए, पेपर आपका बहुत ही जल्दी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये काउंसलिंग का शेड्यूल है आपका स्टेट का काउंसलिंग के लिए एमसीसी ने ये जारी कर दिया है। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम है, आप देखेंगे इधर 24 को समाप्त होगा और 4 दिन के अंदर स्टेट को काउंसलिंग शुरू करना है ना। तो स्टेट, आप ये ना सोचे कि स्टेट तो जो है इतने जल्दी कैसे कर लेगी, स्टेट जो है रजिस्ट्रेशन पहले शुरू कर देगी सारे स्टेट। आप जो है आप फटाफट देखते रहिए अपने स्टेट का वेबसाइट, काउंसलिंग बहुत ही जल्दी शुरू हो रहा है। हरियाणा का शुरू हो गया, बिहार का हो गया, आप देखिए राजस्थान रजिस्ट्रेशन पहले कर चुका है, महाराष्ट्र कर चुका है, मध्य प्रदेश कर चुका है, इस तरह सारे स्टेट अब जो है इससे पहले 27 से पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो 4 दिन का टाइम मिलेगा, 4 दिन में इनको वेरिफिकेशन भी करना है, काउंसलिंग भी करना है, इसलिए ये पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। ये पब्लिक नोटिस एक आया है, ये देखिए, ये हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन में बताया कि 16-1 से शुरू हो रहा है 22-1 तक। ठीक है, आप देखिए नीट पीजी का जो पेपर है इसके लिए अब ट्विटर और इंस्टाग्राम इस पे ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म इस पे सारे डॉक्टर्स हैं वो आ गए हैं कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये चल रहा है। देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट नीट पीजी 2022 एग्जाम पोस्टपोनमेंट इज बीइंग डिमांडेड बाय द मेडिकल एस्पिरेंट सून आफ्टर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये लोगों का कहना है कि इधर काउंसलिंग हो रही है, उधर आप पेपर ये कराना चाह रहे हो, ऐसे में दोनों एक साथ नहीं हो सकता, आप पेपर को आगे ले चलो। ठीक है ना, ये लोग अब ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, तो अगर जिसको तैयारी करना है, बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं जिनके कम मार्क्स है, वो तैयारी में लग जाओ, आपका पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तब तक कोई भी असिस्टेंट की जरूरत हो आप मुझसे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। आपका दोस्त उदय कुमार, थैंक यू, बाय।